छावनी परिषद रामगढ़ कैंट में एकमात्र सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल फुटबॉल मैदान को सेना के अधिकारी से मुक्त करने के सवाल पर आज शुक्रवार को छावनी परिषद कार्यालय के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन हुआ। घोषित कार्यक्रम के तहत परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को कई वक्ताओं ने संबोधित किया। बताया गया कि छावनी परिषद रामगढ़ की जनता एवं खेल प्रेमियों को खेलने तथा सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु एकमात्र सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल फुटबॉल मैदान रामगढ़ शहर के मध्य में अवस्थित है। छावनी परिषद का विलय राज्य इकाई नगर परिषद रामगढ़ में किए जाने की प्रक्रिया में है। विलय की संवैधानिक प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया के तहत फुटबॉल मैदान सेना को सौंपने की सूचना है। यदि यह मैदान सेना के अधिकार में जाता है तो आम जन सहित खेल प्रेमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन लोगों ने चेतावनी दिया कि यह तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, मैदान सेना को सौंपा गया तो आंदोलन तेज होगा और मैदान के सवाल पर अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। कि रामगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोग, रामगढ़ के सभी जागरूक लोग इस बात को लेकर के या छावनी परिषद गेट के बाहर में हम लोग आज धरना दे रहे हैं कि हम लोग को ज्ञात हुआ है कि जो कैंटोनमेंट का जो संभावित विलय नगर परिषद के साथ हो रहा है, उस विलय में जो रामगढ़ का जो ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान है, एकमात्र फुटबॉल मैदान जहां पर सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और खेल कूद का एकमात्र मैदान जो यहां पर हम लोग का है, उसको उस MOU में जो सेना को जो फुटबॉल ग्राउंड है वो सेना को देने की बात कही जा रही है। पूरा कैंटोनमेंट का विलय नगर परिषद में होगा, सारी ज़मीनें वहाँ जाएंगी, लेकिन एकमात्र जो रामगढ़ का 1.5 लाख पॉपुलेशन का एकमात्र ग्राउंड है उसको नगर परिषद को ना देकर सेना अपने पास रख रही है। आपको जानकारी है कि रामगढ़ में एकमात्र यही फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पर लोग खेल का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ से निकल कर महेंद्र सिंह धोनी आगे इस देश का प्रतिनिधित्व किए हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर से खेल करके आगे बढ़े हैं और साथ ही साथ यहाँ का 24 सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, राजनीतिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो मेला का कार्यक्रम हो, चाहे रावण दहन का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम, से एकमात्र मैदान ये सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल फुटबॉल ग्राउंड है, उसको सेना को देना रामगढ़ की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है और हम लोग सभी यहाँ जागरूक लोग इसका विरोध करते हैं। दिवसीय धरना रामगढ़ छावनी परिषद का ऐतिहासिक फुटबॉल ग्राउंड सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल को सेना के हवाले किए जाने के विरुद्ध यह एक दिवसीय धरना है। रामगढ़ की जनता, रामगढ़ के खेल और खिलाड़ी सभी इस धरने में बैठे हैं और इस बात को लेकर बैठे हैं कि कैंटोनमेंट के अधिशासी अधिकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध जाकर सेना के हवाले इस फुटबॉल ग्राउंड को करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम सब विरोध करते हैं। रामगढ़ छावनी परिषद की जनता और छावनी परिषद के खेल और खिलाड़ी विरोध करने के लिए, आप सब जानते हैं किसी फुटबॉल ग्राउंड से भारतीय क्रिकेट जगत के राष्ट्रीय कप्तान कह सकते हैं धोनी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पहचान बनाया, उनका भी इतिहास इस फुटबॉल ग्राउंड मैदान से जुड़ा है। अभी बोल रहे थे अरुण भाई कि शांति कुमारी महिला क्रिकेट की खिलाड़ी इसी फुटबॉल ग्राउंड की पहचान है, इसलिए हमारे देश में न जाने इस फुटबॉल मैदान से कितने खेल और खिलाड़ी जा कर के जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाया है। मैं कैंटोनमेंट के अधिशासी अधिकारी से मांग करता हूं कि आपने जो जन भावना के विरुद्ध निर्णय लिया है उस निर्णय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, नहीं तो एक दिवसीय धरना आंदोलन राज्य के सदन से लेकर केंद्र के सदन तक के संघर्ष जारी रहेगी। अभी जो है हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से विरोध कर रहे हैं कि रामगढ़ छावनी ग्राउंड जो एकमात्र शहर का ग्राउंड है जिसको सेना को सौंपा जा रहा है, अगर ये सौंपा जाता है तो यहाँ के खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत होगा, यहाँ के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम छावनी परिषद से मांग करते हैं कि इस ग्राउंड को जो है वो नगर परिषद को दिया जाए कि ताकि यहाँ के नागरिकों के उपयोग में यह आए, यहाँ के खिलाड़ियों के उपयोग में आए और यह खेल का जो बहुत बड़ा स्थान उस ग्राउंड को खेलने योग हम दिन और रात मेहनत करके खिलाड़ियों का उपयोग में लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न न्यूज़ों के माध्यम से पता चला कि छावनी परिषद यह फुटबॉल ग्राउंड को आरबी के हवाले करने जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज धरना के माध्यम से बता दिया गया कि छावनी परिषद इस निर्णय को वापस ले ले
अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। मैं रूपेश कुमार एक खिलाड़ी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये एकमात्र फुटबॉल ग्राउंड रामगढ़ में है जो हर चीज़ में काम आता है, दुर्गा पूजा से लेकर हर चीज़ में। तो अगर हम यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं सीईओ अंकल से अनुरोध करता हूँ कि हमें अपना फुटबॉल ग्राउंड हमारे लिए रहने दीजिए। दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर आपकी सेवा में एक से बढ़कर एक आइटम सही दामों पर। शूटिंग, शॉटिंग, ब्रांडेड जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट, तरह तरह की साड़ियां, बनारसी साड़ी, रंग बिरंगे लहंगे और बेंगलुरु सिल्क साड़ी, रेडीमेड में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े, सूट पीस, सैंडल वो आपके घर को सजाने के लिए, बेडशीट, पर्दे, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर, ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम्स, किचन वियर में बर्तन, मिक्सी, वही फर्नीचर, अलमारियां, सोफा एवं ज्वेलरी में सोना चांदी, हीरा और मोती के आइटम, एक ही जगह हजारों आइटम आपके परिवार के लिए, वो भी सही दाम, सही वैरायटी व नवीनतम डिजाइने आपके समक्ष हम लोग इस दुर्गा पूजा में उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार आए तो कभी ना भूल पाए। बगड़िया सबसे बढ़िया, जी हाँ, बगड़िया सबसे बढ़िया। रामगढ़ शहर की शान या आपके बगड़िया की दुकान, आपके इंतजार में पूरा बगड़िया ग्रुप, श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, गोला रोड, रामगढ़ कैंट।